टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच अब विवाद कई मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि शमी और हसीन के बीच विवाद की वजह शमी के गांव की पंचायत के सामने आ गई थी और पंचायत ने फैसला लिया था कि हसीन जहां और शमी के बीच बंद कमरे में बातचीत हो जाएगी और इस मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि बातचीत वाले दिन शमी अपने गांव नहीं पहुंचे और हसीन जहां भी कोलकाता के लिए रवाना हो गई। अब ये सब क्यों हुआ इस बात की वजह सामने नहीं आई, लेकिन पंचायत की तरफ से ये बयान आया कि शमी शायद व्यस्त होंगे और इस वजह से वो पंचायत में नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि शमी इन दिनों दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेल रहे हैं, पर कई लोगों का ये कहना है कि शमी अपनी पत्नी से कोई भी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रहे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बात और क्या नया मोड़ लेता है। लेकिन खबर ये भी आई है कि हसीन जहां गांव के प्रधान के यहां रुकी थी और पंचायत से वहीं से संपर्क साधा था। ऐसे में अमरोहा पुलिस गांव के प्रधान से भी पूछताछ कर रही है कि किस तरह से हसीन जहां ने शमी पर इल्जाम लगाए हैं और वो कौन सी वजह है जिस वजह से ये मसला इतना तूल पकड़ चुका है। बता दें कि शमी पर उनकी पत्नी ने 7 मार्च को दहेज उत्पीड़न और अवैध संबंध और मैच फिक्सिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।